नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय स्पीक इजी चैनल। मैं हूँ आशीष। दोस्तों आज लेकर आया हूँ क्लास सिक्स। दोस्तों आज के हमारे क्लास सिक्स में हम कूड CoULD कूड ये टू बी फॉर्म्स अप्लाई करने वाले हैं। तो कूड मतलब होता है सका, सकी, सकी। दोस्तों हम कूड पर कूड के चार डिफरेंट टाइप्स देखने वाले हैं। मैंने लास्ट टाइम ही बोला था कि हमारे स्पेशल टेंस में सात टू बी फॉर्म्स अप्लाई होते हैं, जैसे वुड, कैन, कूड, मे, माइट, शुड, मस्ट। तो आज हम कूड देखने वाले हैं। तो कूड पर भी हम हमारा लॉजिक अप्लाई करने वाले, और वो लॉजिक क्या है दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा, सिंपल कंटिन्यू परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू। तो दोस्तों अब ये लॉजिक, जैसे कि हमने कूड पर अप्लाई किए, तो कूड में कूड के चार डिफरेंट टाइप्स। नंबर वन सिंपल कूड, नंबर टू कंटिन्यू कूड, नंबर थ्री परफेक्ट कूड, नंबर फोर परफेक्ट कंटिन्यू कूड। आइए दोस्तों बनाते हैं। सबसे पहले सेंटेंसेस हिंदी में बनाएंगे, सिंपल कंटिन्यू परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू में। देन इन्हीं हिंदी के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में भी कन्वर्ट करेंगे, पर उसके पहले आपको लॉजिक्स बता दूं, हिंदी वाले और इंग्लिश वाले। आइए दोस्तों डिस्प्ले पर आपको दिख रहे होंगे लॉजिक्स, देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको हिंदी के लॉजिक्स मैं बताना चाहता हूँ कि सिंपल कूड में हिंदी का लॉजिक्स क्या है। हिंदी का लॉजिक सिंपल कूड में होगा सका, सकी, सकी। मतलब जब भी हिंदी में सेंटेंस बोलेंगे तो लास्ट में वर्ड सका, सकी, सकी होगी। जैसे कि मैं गाना गा सका, लोग वातक आ सके, अमृत चाय पी सका, इस प्रकार के सेंटेंस। तो सिंपल कूड में लॉजिक हिंदी का क्या होगा, सकी, सकी। अब कंटिन्यू में, कूड के कंटिन्यू में लॉजिक्स क्या होगा, बीच का होगा रहा, रही, रहे, और लास्ट में हु है, हो, ठीक है। अब परफेक्ट का कूड का लॉजिक क्या होगा हिंदी का, वो होगा सकता, सकती, सकते, लास्ट में था, ती, थे, याद रखिए दोस्तों। अब कूड का परफेक्ट कंटिन्यू वाला लॉजिक हिंदी का क्या होगा, तेया एंड सकता, सकती, सकते। क्या होगा दोस्तों, तेया एंड सकता, सकती, सकते, लास्ट में था, ती, थे। आई होप कि आपको हिंदी के सिंपल कंटिन्यू, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू के लॉजिक समझ में आए होंगे। अब दोस्तों देखते हैं इंग्लिश में सिंपल कंटिन्यू, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यू के लॉजिक। सबसे पहले देखते हैं सिंपल कूड का लॉजिक क्या है इंग्लिश का, तो वो है कूड प्लस वी वन। अब देखते हैं कंटिन्यू कूड का लॉजिक क्या है, वो है कूड बी प्लस वी फोर। अब देखते हैं परफेक्ट कूड का लॉजिक क्या है, वो है कूड हैव प्लस वी थ्री। अब देखते हैं परफेक्ट कंटिन्यू का कूड का लॉजिक, वो है कूड हैव बीन प्लस वी फोर। तो दोस्तों डिस्प्ले पर आपको क्लियर दोनों चीजें दिख रही होंगी, हिंदी लॉजिक्स एंड इंग्लिश लॉजिक्स, देख लीजिए। अब हम हमारे सेंटेंसेस लेंगे। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हिंदी में सेंटेंसेस बनाएंगे, किस पर, सिंपल कूड पर। नंबर वन, मैं खाना खा सका। नंबर टू, मीना स्कूल जा सकी। नंबर थ्री, तुम दरवाजा खोल सके। नंबर फोर, वो टीवी देख सका। तो ये जो हमारे चार सेंटेंसेस हमने बनाए, ये बनाए सिंपल के कूट के लॉजिक के हिसाब से, हिंदी के सका, सकी, सके के हिसाब से बने। अब दोस्तों इनको इंग्लिश में भी कन्वर्ट करना है, तो इंग्लिश का सिंपल कूट का लॉजिक क्या है, वो है कूट प्लस वी वन। आइए दोस्तों अप्लाई करते हैं, तो कैसे होगा, आइए दोस्तों अप्लाई करते हैं, तो कैसे होगा। पहला सेंटेंस, मैं खाना खा सका, आई कूड ईट अ मील। नंबर टू, मीना स्कूल जा सकी, मीना कूड Go to school. Number थ्री, तुम दरवाजा खोल सके, You could open the door. Number फोर, वो टीवी देख सका, He could watch a TV. तो दोस्तों हिंदी के इंग्लिश में हमने लॉजिक के माध्यम से बनाए। ओके, आगे बढ़ते दोस्तों, अब हम देखने वाले कंटिन्यू कूट के लॉजिक्स, अब हम देखने वाले कंटिन्यू कूट के सेंटेंसेस। तो सबसे पहले हिंदी के सेंटेंसेस बनाने से पहले आपको याद दिला दूं कि कंटिन्यू कूट का लॉजिक क्या है। तो वो लॉजिक है बीच का रहा, रही, रहे, और लास्ट में हु है, हो। देखिए दोस्तों कैसे बनाते हैं। नंबर वन, हो सकता है कि मैं खाना खा रहा हूं, इस प्रकार के सेंटेंसेस अंदाज में हम बोलते हैं। नंबर वन, हो सकता है कि मैं खाना खा रहा हूं। नंबर टू, हो सकता है कि मीना स्कूल जा रही हो। नंबर थ्री, हो सकता है कि तुम दरवाजा खोल रहे हो। नंबर फोर, हो सकता है कि वो टीवी देख रहा हो। ये सेंटेंसेस अब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, तो इंग्लिश का हमारा लॉजिक है कंटिन्यू कूट का, वो है कूड बी प्लस वी फोर। आइए दोस्तों बनाते हैं। नंबर वन, हो सकता है कि मैं खाना खा रहा हूं, तो इंग्लिश में आई कूड बी ईटिंग अ मील। हो सकता है कि मैं खाना खा रहा हूं, कैसे होगा, आई कूड बी ईटिंग अ मील। नंबर टू, हो सकता है कि मीना स्कूल जा रही हो, मीना कूड बी गोइंग टू स्कूल। हो सकता है कि तुम दरवाजा खोल रहे हो, यू कूड बी
ओपनिंग द डोर, हो सकता है कि वो टीवी देख रहा हो. ही कुड बी वॉचिंग अ टीवी. आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा कि हिंदी के इंग्लिश में हमने कैसे बनाए. आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं. अब बनाते हैं परफेक्ट में हिंदी में सेंटेंस, परफेक्ट कुड में. तो परफेक्ट कुड का लॉजिक क्या है दोस्तों? परफेक्ट कुड का लॉजिक है सकता, सकती, सकते और लास्ट में थाती थे. अब बनाते हैं. फर्स्ट, मैं खाना खा सकता था. नंबर टू, बिना स्कूल जा सकती थी. नंबर थ्री, तुम दरवाजा खोल सकते थे. नंबर फोर, वो टीवी देख सकता था. अब इन चारों सेंटेंस को हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे. तो सबसे पहले परफेक्ट कुड का इंग्लिश का लॉजिक क्या है? तो वो है कुड हैव प्लस वी थ्री. तो आइए दोस्तों बनाते हैं. मैं खाना खा सकता था, तो आई कुड हैव ईटन अ मील, या आई कुड हैव टेकन अ मील. ठीक है, खाना ईट, खाने के लिए टेक भी ले सकते हैं. नंबर टू, मीना स्कूल जा सकती थी. मीना कुड हैव गॉन टू स्कूल. नंबर थ्री, तुम दरवाजा खोल सकते थे. यू कुड हैव ओपन द डोर. नंबर फोर, वो टीवी देख सकता था. He could have opened, वो टीवी देख सकता था. He could have watched the, he could have watched a TV. तो आइए दोस्तों आप समझ रहे होंगे कि किस तरह हमने हिंदी के इंग्लिश में बनाए. सिर्फ पूरा का पूरा खेल, ओवरऑल पूरा का पूरा खेल हमारे लॉजिक्स पर है. तो अब लास्ट बचा है हमारा परफेक्ट कंटिन्यू कूट का हिंदी वाला. क्या है लॉजिक्स? तेया एंड, सकता, सकती, सकते, लास्ट में थाती थे. आइए दोस्तों बनाते हैं. तुम दरवाजा खोलते आ सकते थे. नंबर फोर, वो टीवी देखते आ सकता था. अब दोस्तों ये जो हमने हिंदी में बनाया लॉजिक के हिसाब से, अब इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे. तो इंग्लिश के हमारे परफेक्ट कंटिन्यू कुड में लॉजिक क्या है? तो वो है कुड हैव बीन प्लस वी फोर. आइए दोस्तों बनाते हैं. मैं खाना खाते आ सकता था. इंग्लिश में आई कुड हैव बीन ईटिंग अ मील. आई कुड हैव बीन ईटिंग अ मील. नंबर टू, मीना स्कूल जाते आ सकती थी. मीना कुड हैव बीन गोइंग टू स्कूल. नंबर थ्री, तुम दरवाजा खोलते आ सकते थे. यू कुड हैव बीन ओपनिंग द डोर. नंबर फोर, वो टीवी देखते आ सकता था. ही कुड हैव बीन वॉचिंग अ टीवी. तो दोस्तों हिंदी के इंग्लिश में भी हमने बनाए. तो ये ओवरऑल पूरा का पूरा खेल लॉजिक का है. आई होप दोस्तों आपको क्लास सिक्स समझ में आया होगा. ऐसे हमारे वीडियोस कंटिन्यू फॉलो करते रहिए. सो फॉर मोर सच वीडियोस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच.